चलिए जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज एक बार हम फिर बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसे कि आपको बताया कि रिसेंट टाइम में जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मार्तोलिया जी का एक बयान भी जारी हुआ था कि कम से कम 550 पदों के आसपास उनके पास अधिभार आ गए हैं। और अभी आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर जो सूचना आई है लगभग 250 पदों का आसपास हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन आई है। चलिए पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप हम इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। पूरी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर की है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंची इन भर्तियों की सूचना, जानकारी जो है सूचना के अधिकार के तहत यहाँ पर जो है ली गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर पोस्टेज हैं उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आबकारी सिपाही जिसको काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, भर्ती के 100 पदों पे इसकी भर्ती होने वाली है। जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 12वीं रखी गई है। दूसरी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण भर्ती है परिवर्तन सिपाही की है, 14th यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज हैं, इनकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं है। और नेक्स्ट जो है आबकारी आयुक्त की है, 5 पोस्ट हैं जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो है स्नातक स्तर की है। अगली जो महत्वपूर्ण है 4 और 5 वो है बीडीओ स्नातक स्तरीय, जिसकी परीक्षा का रिजल्ट अभी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी यहाँ पर जारी की है। लगभग 137 पोस्टों के लिए जो है ये बीडीओ स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का जो है अधिवासन आयोग के पास पहुँचा है। हो सकता है समय के साथ और भी इसमें पद एड ऑन हो, जिस तरह से पिछली बार की भर्ती में से करीब 900 के ऊपर से है पोस्ट आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगली यहाँ पर पोस्ट है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पद हैं, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है स्नातक और आपके पास जो है कंप्यूटर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो कुल मिला के 261 यानी कि 261 पोस्टेज के हमारे पास जो है आरटीआई के तहत जो है यहाँ पर सूचना के अधिकार के नियम के तहत यहाँ पर सूचना मिली कि लगभग ये जो पद हैं इनका अध्याचन जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास में। हालांकि जो सचिव साहब से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी ने कहा 500 से ऊपर पदों का उनके पास अधियाचन है और जल्द ही वो भर्तियां निकालेंगे। और बाकी अगर इनकी आने की उम्मीद करें तो आपको बहुत जल्द इसी महीने या तो फिर नेक्स्ट महीने तक आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि दिसंबर में हर हालत में किसी न किसी भर्ती का जो एग्ज़ाम आयोग को कराना ही है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन भी है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।